इत्तेहाद न्यूज को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज की खुसूसी पेशकश में आपका इस्तकबाल है। आज हम बात करते हैं क्यों सरकारी स्कूल की हालत कमजोर और अफसोसनाक है। आज़ादी के पहले और बाद के अक्सर रहनुमा और दानिश्वरान की तालीम सरकारी स्कूल से मुकम्मल हुई है। उस वक्त सरकारी स्कूल की तालीम इतनी मियारी और उम्दा हुआ करती थी कि उस वक्त के सातवीं पास भी बहैसियत टीचर अपॉइंट हुआ करते थे, जिनके पढ़ाए हुए स्टूडेंट्स आज भी आईएएस और बड़े बड़े अफसरान बने हुए हैं। उस वक्त के स्कूलों की सुविधाएँ उतनी ज़्यादा या मियारी नहीं थी, लेकिन तालीम बहुत उम्दा और मियारी थी। लेकिन आज सुविधाएँ बहुत मियारी हैं, लेकिन तालीम का कोई मियार नहीं, जिसके ज़िम्मेदार एजुकेशन डिपार्टमेंट, टीचर्स, एसडीएमसी, कमिटियां और हुकूमत हैं। तालीम की खस्ता हाली पर बहुत हद तक टीचर्स ज़िम्मेदार हैं और इसकी शय इनको एजुकेशन डिपार्टमेंट और हुकूमत से मिलती है। हुकूमत ने सरकारी स्कूलों की निगरानी के लिए अलग विभाग कायम किया है, लेकिन डिपार्टमेंट के अहदेदारान रिश्वत लेकर गवर्नमेंट स्कूल की कारकर्दगी गिरने में मददगार बन रहे हैं और बाकायदा इसमें हुकूमत के नुमाइंदे भी मददगार होते हैं। अफसरों और टीचरों के ट्रांसफ़र और दूसरे कामों में हुकूमत के नुमाइंदे भारी रिश्वत इनसे वसूल करते हैं। कुल मिलाकर पूरा एजुकेशन सिस्टम बिगड़ा हुआ है। हकीकत में देखा जाए गवर्नमेंट टीचर्स का तालीमी मेरिट और तनख्वाह प्राइवेट स्कूल के टीचर्स से बहुत बेहतर होता है, लेकिन एजुकेशन डिपार्टमेंट की नाअहली और गवर्नमेंट टीचर्स की ज़मीन फरोशी की वजह से मामला बिगड़ा हुआ है। बाज़ गवर्नमेंट टीचर्स का बहाना है कि इनके पास जो तुलबा आते हैं उनका आईक्यू लेवल कमज़ोर होता है, जिसकी वजह से रिजल्ट कमज़ोर होता है। अगर ये बात है तो क्या निजी स्कूलों में रिजल्ट 100% आता है? निजी स्कूल में भी तो बच्चे फेल होते हैं। अल्लाह ने हर बच्चे को समान जहन बनाया है। बच्चे की अपनी और उस्ताद की मेहनत की वजह से आईक्यू लेवल और जहानत बढ़ती है। असल स्कूल की उपलब्धि तो टीचर्स की मेहनत और एजुकेशन डिपार्टमेंट की अच्छी कारकर्दगी से होता है। आज भी हमारे पास कुछ गवर्नमेंट स्कूल की अच्छी कारकर्दगी की मिसालें मौजूद हैं, जिनके असातिज़ा की कड़ी लगन और मेहनत की वजह से अच्छे नताइज मुरतब हो रहे हैं। मैं एक कुर्ची शहर की गवर्नमेंट उर्दू स्कूल और रायचूर ज़िले की एक कन्नड़ा गवर्नमेंट स्कूल को जानता हूं, जिनकी कारकर्दगी मिसाली और नुमाया है। बेलगाम ज़िले के गांव कुर्ची की एक रूरल इलाके पीर महबूब टोट की एक गवर्नमेंट प्राइमरी उर्दू स्कूल, जिसकी कारकर्दगी में दिन ब दिन निखार आता जा रहा है और यहाँ के पढ़ाई के चर्चे हर तरफ हैं, और इसका श्रेय यहाँ के असातिज़ा और एसडीएमसी की कमेटी को जाता है। पिछले एकेडमी साल में यहाँ की तुलबा की तादाद तकरीबन 370 थी, जो कि स्कूल के अतराफ की आबादी से काफ़ी ज़्यादा है। स्कूल की अच्छी कारकर्दगी की वजह से कई तुलबा कुर्ची अर्बन इलाके से इस स्कूल में दाखिला लेते हैं। यहाँ के टीचर्स पढ़ाई पे ध्यान देने के अलावा निजी खर्च से स्टूडेंट्स की पढ़ाई में काम आने वाली चीज़ों का इंतज़ाम भी करते हैं। स्कूल और असातिज़ा की मेहनत की वजह से अब तक यहाँ के 25 तुलबा NMMS स्कॉलरशिप हासिल कर चुके हैं, जो कि पूरे ज़िले में हाईएस्ट नंबर है। पढ़ाई के अलावा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी स्कूल का योगदान नुमाया रहा है और स्कूल के तुलबा 3 दफ़ा स्टेट लेवल प्रतिभा कारंजी मुकाबलों में पहला मुकाम हासिल कर चुके हैं। खैर, स्कूल के मुकम्मल डेवलपमेंट में असातिज़ा के अलावा एसडीएमसी चेयरमैन जनाब मुश्ताक बागसराज साहब और उनकी टीम और सामाजिक खिदमतगार
जनाब अली मुर्तजा चमन मलिक का बड़ा साथ रहा है। इसी तरह से रायचूर जिले के एक देवसुगुर गांव जो शक्ति नगर थर्मल पावर प्लांट के बिल्कुल करीब है, यहाँ की एक कन्नड़ा मीडियम सरकारी स्कूल की बेहतरीन और उम्दा कारदगी की बात करते हैं जो दूसरे सरकारी हाई स्कूल के लिए एक बेहतरीन मिसाल है। यहाँ की बेहतरीन पढ़ाई की वजह से तालुका लेवल पर हर साल यहाँ का तालिब इल्म जो SSLC पास होता है लैपटॉप इनाम पाते हैं। तालीम के अलावा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ और स्पोर्ट्स में भी यहाँ के स्टूडेंट्स स्कूल का नाम रोशन कर चुके हैं। स्कूल का काम और असातिज़ा की मेहनत को देखते हुए कई तुलबा अतराफ के 4 प्राइवेट स्कूल और 3 सरकारी स्कूलों को छोड़कर इस स्कूल में दाखिला लेते हैं और इसी स्कूल के अच्छे काम की वजह से एक प्राइवेट स्कूल भी बंद हो चुका है। स्कूल में तुलबा की तादाद काफ़ी ज़्यादा है और तकरीबन 600 तुलबा के लिए टीचर्स की तादाद सिर्फ 10 है, जो कि काफ़ी कम है। यहाँ के असातिज़ा की खासियत ये है कि वो पीरियड्स लेने के लिए आपस में झगड़ते हैं। जब कभी कोई असातिज़ा रजा पर होता है तो अपना पीरियड दूसरे उस्ताद को देते हैं और वापसी पर फिर वापस लेते हैं। पढ़ाई की मसरूफियत की वजह से हेडमास्टर की जिम्मेदारी टीचर्स ने पी टीचर्स को दे रखी है, क्योंकि पी टीचर्स की मसरूफियात बनिस्बत थोड़ा कम होती है। गांव और अतराफ में असातिज़ा और स्कूल को बहुत एहतराम हासिल है। गांव के सामाजिक खिदमतगार जनाब प्रकाश नंदी का स्कूल के लिए हर मामले में बड़ा ताउन और मदद हासिल है, जिसका फ़ायदा काफ़ी हद तक स्कूल को होता है। खैर, इन दो स्कूल की कारकर्दगी जो मेरे नॉलेज में थी, एक मशाले राह है दूसरे स्कूलों के लिए। अगर असातिज़ा पूरी मेहनत और ईमानदारी के साथ खिदमात अंजाम दें तो यकीनन नताइज बहुत बेहतर होते हैं। सरकार की सुविधाएं भी बेहतर हैं और असातिज़ा की सैलरी भी उम्दा है, लेकिन अफसोस एजुकेशन डिपार्टमेंट और असातिज़ा के अपने फर्ज से गद्दारी की वजह से तुलबा सरकारी स्कूल और देश का मुस्तकबिल और फ्यूचर ताबनाक बनता जा रहा है। इसीलिए चाहिए कि हर कोई अपनी जिम्मेदारी को समझे और निभाए। यही हर धर्म की सीख है और यही देश से सच्चा प्रेम है। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।